हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं सूजी अप्पे की रेसिपी। यानी ये हम बनाने वाले हैं सेमोलिना से। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है और मैं इसे तड़का लगा के बनाऊंगी, जिससे इसका जो फ्लेवर होता है और भी ज़्यादा एनहेंस होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स ये हम बनाने वाले हैं सूजी के अप्पे, और एक होता है जिसे फर्मेंट करना पड़ता है, दाल और चावल को रात भर भिगो के रखना फिर पीसना। बट ये बहुत ही ज्यादा क्विक एंड इंस्टेंट सी रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिया है 1 बोल के बराबर सूजी और साथ में मैं इसमें डालूंगी 1/2 बोल के बराबर कर्ड यानी दही। तो दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है, आप चाहे तो छाछ यानी बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बनता है। तो दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था और फ्रेंड्स इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर और इसे भिगो के रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए, क्योंकि सूजी अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो आपका टाइम लेता है। तो उस हिसाब से हम इसे पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके ढककर रख देंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स पानी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से ये अच्छा सा एक बैटर जैसा हो जाएगा, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लिक्विड, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐड किया है और मेरी सूजी थोड़ी सी बारीक है, अगर थोड़ा सा मोटा होता है आपका सूजी यानी सेमोलिना तो वो ज़्यादा पानी सोखता है। इस तरह से मैंने पानी डाल लिया है और ढककर रख देती हूँ 15 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स सही हम तड़का तैयार करेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर आता है, वरना ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो अंदर में जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो नहीं आता है। इस तरह से हम बनाते हैं तड़का। तो 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है ऑयल और इसमें ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून के बराबर सरसों के दाने और करी लीव्स लिया है मैंने 6 से 7, जिसे मैं तोड़ कर डालूंगी। तो करी पत्ता को मैं तोड़ कर डालूंगी इस तरह से ताकि इसका और भी अच्छा सा फ्लेवर आए। और हल्का सा पकने के बाद मैं इस जो टेम्परिंग को डालने वाली हूँ सूजी में, तो ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुका है, इसे हम डाल लेते हैं। सूजी भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने लिया है एक छोटा टमाटर चॉप किया हुआ, बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ लेना है आपको, और धनिया पत्ता ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड किया है, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया पत्ता ऐड किया है और 1 प्याज ऐड किया है बारीक कटा हुआ, आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ डालना है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब हम बनाते हैं तो जब आप खाइएगा तो बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो मस्टर्ड का है वो आता है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, उससे पहले हम तैयार कर लेते हैं अपम पैन और उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने लिया है एक अपम पैन, ये आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है, नॉनस्टिक वाला भी, और इसमें हम ऑयल लगाकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब एंड में हम डाल लेते हैं इनो फ्रूट सॉल्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सूजी, जो सूजी लिया है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें 1.5 पाउच ऐड करने वाली हूँ, तभी अच्छे से फर्मेंट होता है, इंस्टेंट फर्मेंटेशन होता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी इनो फ्रूट सॉल्ट डाले इसके ऊपर पानी डालना ज़रूरी है, और साथ में ये थोड़ा सा थिक भी है और ये पतला भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है वाटर को। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सूजी और फ्लफी हो चुका है। तो मैंने इसमें अराउंड 1/2 कप के बराबर और पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, अब हम इसे डाल लेते हैं। तो अप्पे पैन भी गर्म हो चुका है, इस तरह से लैडल की हेल्प से मैं डालते जाऊंगी, छोटा सा स्पून से भी आप डाल सकते हैं, और इसे हम ढककर पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बीच बीच में टेम्परेचर अप डाउन आपको करते रहना है ताकि, और ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी सेक सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक सकते हैं। अगर क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ी देर और रखिएगा, और अगर लाइट पसंद करते हैं तो आप जल्दी इसे निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ और इसके ऊपर भी होने के बाद ऑयल डालेंगे और इसे पलट लेंगे। तो ऊपर से जब ड्राई होने लगे तभी फ्रेंड्स आप इसे फ्लिप कीजिएगा, तब बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल राउंडल्स बन के निकलता है, बॉल बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल लिया है और बीच में मैं ढक दूंगी, फिर तेल लगाकर इसे फ्लिप भी करूंगी।
तो इस तरह से मैंने बीच में फ्लिप करते हुए और ढककर पका लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए, और आप देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है। इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारा आपको पका लेना है और इसे एंजॉय कर सकते हैं विद चटनी, कोकोनट चटनी के साथ, ग्रीन चटनी या सॉस के साथ, जैसा आपको पसंद है इस तरह से, और सांबर के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही ज्यादा आसान से ये बन चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और इस तरह से आपको क्रिस्पी चाहिए तो और थोड़ी देर और सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी सा स्नैक्स है, इसे एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स एज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी या इवनिंग स्नैक्स के रूप में, और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट वीडियो दूँ वो आपको सबसे पहले मिले उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।